हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ एक ऐसी गेम शेयर करने वाली हूँ जो कि एक लकी गेम है, जिसमें आप अपने लिए तो खेलने वाले हो, साथ में आप अपनी फ्रेंड्स के लिए भी खेलने वाले हो। यस, क्योंकि ऑलवेज़ हम गेम खेलते हैं तो हम अपने लिए खेलते हैं ताकि हम अपना पूरा एफर्ट लगा सकें और हमें खूब सारा जो है प्राइज़ मनी मिल सके, या फिर जो भी आपने गिफ्ट रखा होता है तो वो हमें मिल सके। तो हम पूरा एफर्ट लगाते हैं इसमें, आपको कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है। और साथ में आप अपने लिए तो ही विन कर ही सकते हो, साथ में अपनी फ्रेंड्स को भी आप पॉइंट्स दिला सकते हो। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने कुछ डिस्पोजेबल कप्स लिए हैं, और इसमें हमने सभी अपनी मेम्बर्स जो जितने फ्रेंड्स हैं पार्टी में उन सब के नेम्स लिख लिए हैं। और जस्ट हमें एक पैक ऑफ कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ में हमें चाहिए एक पेन और पेपर। जस्ट इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो सभी के आप देख सकते हो कि इस तरह से मैंने नेम्स लिख लिए हैं, यहाँ पे मैंने अपना भी लिखा है। तो आप इस तरह से टेबल के ऊपर रख दीजिए और आपके मेंबर्स जो हैं वन 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 आएंगे और इस गेम को खेलेंगे। खेलना कैसे है, जस्ट उन्हें कुछ भी नहीं करना है, कोई एफर्ट नहीं लगाना है। उन्हें फोर कार्ड्स जो हैं पिक करने हैं और इस तरह से वो कप्स में वन बाय वन डालते जाएंगे। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने उन्हें बता देना है कि आपने ये जो कप्स हैं वो किस सीरीज़ में रखे हैं, ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं अभी आपको बता देती हूँ कि ये हमने किस सीरीज़ में रखे हैं। ये आप स्ट्रेट भी रख सकते हो एक लाइन में। तो यहाँ पे जैसे ये वन नंबर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व और थर्टीन, तो ये हमने इस तरह से रखे हैं। तो आपके मेंबर्स जो हैं फटाफट से किसी भी कप में ये जो हमारे कार्ड्स हैं वो डालते जाएंगे जल्दी जल्दी से। ये गेम आप सोचोगे कि 13 मेंबर्स ही खेल सकते हैं, 13 मेंबर्स तो खेल ही सकते हैं, साथ में ये ज़्यादा मेंबर भी खेल सकते हैं और कम भी खेल सकते हैं। अगर आपके सपोज ज़्यादा मेंबर हैं तो आप क्या कीजिए कि आपके जो कप्स हैं इनमें आप दो दो नेम लिख दीजिए, यानी यहाँ पे जैसे मैंने एक एक स्लिप डाली है तो आप टू टू मेंबर्स के डाल दीजिए, तो आप ज़्यादा मेंबर्स के साथ खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप खेल रहे हो कम मेंबर्स के साथ, तो आप क्या करें कि आप इसमें से जैसे सपोज 10 मेंबर्स हैं तो आप इसमें से 10, 11, 12, सॉरी 11, 12, 13 के कार्ड्स निकाल दीजिए, तभी आप गेम खेल सकते हो। अगर इससे भी कम है, 8 मेंबर्स हैं, तो आप 9, 10, 11, 12 के निकाल दीजिए, यानी आपके कम मेंबर्स तो कम कार्ड्स। ओके, तो अब ये एक मेंबर की गेम कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसमें पॉइंट कैसे अर्न कर सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। तो ये हमने, जैसे मैंने बताया था, ये वन नंबर, ये टू, ये थ्री, ये फोर, तो यहाँ पर मुझे इस कप में, यानी रीमा जी हैं इनको वन चाहिए। तो देखते हैं, वाओ, तो इनका फर्स्ट टाइम में ही 2-1 आ जाते हैं, तो यानी इनका स्कोर हो जाता है 2। तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पेपर है हमारे पास, तो यहाँ पे आप इस तरह से 2 लिख देंगे। ओके, यानी जैसे जैसे ये होस्ट के पास होगा पेपर, तो वो नेम के आगे उनके नंबर्स लिखते जाएंगे। तो यहाँ पे हमें 2 चाहिए था कनिका जी को, तो इनके पास भी 2 आ जाता है, लेकिन ये एक ही आता है, तो ये लिखेंगे वन नंबर। ओके, नेक्स्ट चेक कर लेते हैं। तो इनको 3 चाहिए, तो इनका 3 नहीं आया, तो इनको, पूजा जी को 4 चाहिए, तो इनका 4 आ गया, यानी इनका भी एक पॉइंट हो जाता है। अब हम पूजा जी के आगे लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 0 और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 पॉइंट। तो ये बिल्कुल लक की बात है, ये मेरा देखते हैं कि मेरे कितने पॉइंट आएंगे। वाओ, एक तो आ गया, ये देख सकते हो कि मेरा एक आ गया है लकीली, तो मेरे नाम के आगे भी 1 आ जाएगा। इसी तरह से होस्ट जो हैं वो फटाफट से खुद भी चेक कर सकते हैं, उनके मेंबर्स भी चेक कर सकते हैं, या जिसने खेली है वो भी चेक कर सकते हैं।
इनके पास चाहिए था 7, तो इनके पास भी नहीं आया, इनके पास भी 6 नहीं आया, इनके पास 8 चाहिए, इनके पास नहीं है, इनके पास भी 9 नहीं है, यानी इन मेंबर्स के पास कुछ भी नहीं आया। नेक्स्ट चेक करते हैं, 10 चाहिए इनको, इनके पास भी 10 नहीं आया, इनको 11 चाहिए, इनके पास भी 11 नहीं आया। नेक्स्ट चेक कर लेते हैं, इनको 12 चाहिए, वाओ इनके पास 12 है एक, यानी आप देख सकते हो यहाँ पे 11 2 है। अगर पहले डाल देती तो मैं इनके 2 पॉइंट्स हो जाते, तो इनका हम नेम के आगे लिख देंगे 1 पॉइंट, तो एंड में है इनके 2 पॉइंट्स हो जाते हैं, तो 2 किंग्स आ गए हैं ये इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे एक मेंबर की गेम ख़त्म हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि इनके 2 पॉइंट्स है रीमा जी के, इनका कनिका का 1 पॉइंट है, तो इनका पूजा का भी 1 पॉइंट है, ये सब हम यहाँ पे लिखते जाएंगे, और मेरा भी 1 पॉइंट है, इनका 1 पॉइंट है, और इनका भी इनके 2 पॉइंट्स है, यानी साक्षी जी के 2 पॉइंट्स है। तो इस तरह से हमने सबके आगे लिख देने हैं, और उसके बाद हम ये कार्ड्स निकाल लेंगे, और इसके बाद हम जल्दी जल्दी से इनको शफल कर देंगे, यानी सेम कार्ड्स के साथ दोबारा नहीं खेलोगे। आपके जो नेक्स्ट मेंबर आएंगे या फिर होस्ट होंगे, वो इनको अच्छी तरह से शफल कर देंगे सभी कार्ड्स को, और बस उसी तरह से जो नेक्स्ट मेंबर आएंगे वो गेम को खेलेंगे, और इसी तरह से काउंट करके 4-4 कार्ड्स को वो इस तरह से डालते जाएंगे। ओके, तो बस उसके बाद हम फिर से चेक कर लेंगे। तो जैसे सपोज नेक्स्ट टाइम रीमा का भी 1 आ जाता है, तो इसके आगे हम +1 लिख देंगे। नेक्स्ट सपोज कनिका जी का कुछ नहीं आया, तो हम +0 कर देंगे। सपोज इनका आ जाता है नेक्स्ट टाइम में, तो +2 हो जाता है। तो इसी तरह से आप प्लस करते जाइए, और एंड में आप चेक कर लीजिए कि किस मेंबर के होंगे सबसे मैक्सिमम स्कोर। तो ये जब सभी मेंबर्स खेल लेंगे उसके बाद हम चेक करेंगे, तो जिसके होंगे मैक्सिमम तो विन कर जाएगा। बहुत ही मज़ेदार सी गेम है, आपने अपने लिए भी खेलना है और आपने अपनी फ्रेंड्स के लिए भी खेलना है। तो देखते हैं कि कौन सी फ्रेंड्स किसके लिए लकी होता है। जैसे कि मैं रीमा जी के लिए और कनिका जी के लिए लकी है, क्योंकि इनके भी मैंने 2 निकाले थे, इनके भी बाई चांस 2 निकल आए, तो इनके लिए डेफिनेटली मैं तो लकी हुई कि 2-2 निकाले हैं। तो इसी तरह से आप गेम को खेलिए, बहुत ही मज़ा आता है गेम खेलने में। एक तो बहुत ही इजी गेम है, एक लकी गेम है। खेलिए, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैव फन।